गाइस वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस के अपडेट लेके आता हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत ही बहुत शुभकामनाएं, ठीक है ना। तो आपके पास 2022 की स्टार्टिंग हो चुकी है जॉब वैकेंसी से। सबसे पहले आपके पास आया एनवीएस का, नवोदय विद्यालय समिति। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, ठीक है ना। और जैसे केवीएस है वैसे ही ऑटोनोमस बॉडी है, और अगर मैं कहूं तो केवीएस से एक स्टैंडर्ड अप है, ठीक है ना, पढ़ाई के लेवल पे, काम के लेवल पे और स्टैंडर्ड के लेवल पे, ठीक है ना। चलो छोड़ो, तो ड्रॉबैक क्या होते हैं वो एक अलग चीज है। आपके जो भी इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस होंगे आप मुझसे पूछ सकते हो, जो मेरी नॉलेज में होंगे मैं बताऊंगा, और जो मेरी नॉलेज में नहीं होंगे मैं अपने कलीग से पूछ के बताऊंगा। मेरे बहुत सारे दोस्त एनवीएस में जॉब करते हैं, ठीक है ना। चलो, रिक्रूटमेंट टू द असिस्टेंट कमिश्नर के लिए है, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है, फीमेल स्टाफ नर्स के लिए है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। कई बच्चे, देखो पता क्या होता है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे हम एसएससी के लिए तैयारी करते हैं, एसएससी सीजीएल, वहां पे एएसओ एक पोस्ट होती है। अगर कई जो समझदार लोग होते हैं ना वो इस वाले एएसओ पे भी फोकस करते हैं। हालांकि अगर यहाँ 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो 50 यहां भी होंगे लेकिन यहां कम होंगे, ठीक है ना। ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, सिविल, सिविल ब्रांच वाले सिर्फ। अभी सब पढ़ेंगे, इनकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, सारे डाउट। आपका ऐसा डाउट हो ही नहीं सकता जो इसमें मैं इस वीडियो में ना क्लियर हो, ठीक है ना। तो वीडियो में डाउट क्लियर जरूर होगा, फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट में पूछेंगे और मैं सारे डाउट बताऊंगा। स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट, और ये दुनिया भर की पोस्ट है, ठीक है ना। चलो आप सबसे पहले तो हम बताते हैं कि देखो, सबसे पहले बता रहा है कि 8 रीजनल ऑफिस है, ठीक है ना। ऐसे तो बहुत सारी चीजें दे रखी है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या, देखो कौन ये असिस्टेंट, ये जो कुछ पोस्ट है इन्होंने हेडक्वार्टर या आरओ लेवल पे है, और बाकी कुछ पोस्ट जेएनवी में। इसका क्या मतलब है मैं समझाने की कोशिश करता हूं, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय का आपको पता है क्या कंसेप्ट होता है, कि स्कूल में ही डे हॉस्टल टाइप का होता है, ठीक है ना। तो कुछ तो आपको स्कूल के लिए स्टाफ चाहिए और कुछ चाहिए इनके आरओ या हेडक्वार्टर में। आरओ या हेडक्वार्टर में क्यों? क्योंकि आरओ इसको मॉनिटर करेगा, तो इसलिए दो है, बाकी और कोई अंतर नहीं है। कभी आप सोचने लगो क्या अंतर है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, होगा भी तो बाद में पता चलेगा, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। देखो, मेजोरिटी ऑफ दी वैकेंसीज बीइंग नोटिफाइड वाइड फॉर द रिक्रूटमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हार्ड स्टेशन नोटिफाइड। इसमें भी हार्ड स्टेशन वगैरह का होता है, लेकिन देखो होता क्या, मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले मानो अगर आपकी एनवीएस में लगी फिर आप ट्राई करते हो केवीएस में या फिर स्टेट गवर्नमेंट में। क्यों ट्राई करते हो? क्योंकि यहां से घर आने का, एनवीएस से घर आने का कोई रास्ता नहीं होता। मैं डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है ना, मैं सच्चाई बता रहा हूं। और जब तक आपकी जॉब नहीं लगी तो आप इस बारे में बिल्कुल मत सोचो, क्यों? क्योंकि सबसे पहले एक जॉब लेना है, ठीक है ना। देयरफॉर सेलेक्टेड कैंडिडेट आर लाइकली टू बी पोस्टेड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन एंड हार्ड स्टेशन फॉर इनिशियल पोस्टिंग ऑफ रिक्रूटमेंट। ना देखो क्या कह रहा है, मैक्सिमम जो इसमें वैकेंसी है वो नॉर्थ ईस्ट में है और हार्ड स्टेशन में है, तो जो भी ज्वाइन करेगा वो यहां जाएगा। अभी स्टार्टिंग में जिसके पास जॉब नहीं है वो आंख बंद करके इसे भरे, अभी मत सोचे कि हम एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। अभी ये सब सोचने का समय नहीं है, ठीक है। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर की बता रखी है, ठीक है ना। अब इसमें सारी चीज लिखी हुई है कि देखो कितनी पोस्ट है, कितनी किसकी है, ठीक है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है ना। डिसेबिलिटी कौन कौन सी चाहिए, फिर आता है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, इसकी पूरी पोस्ट लिखी हुई है, इसमें क्या एक्सप्लेन करेंगे। फीमेल स्टाफ नर्स की लिखी हुई है, ठीक है ना, एएसओ की लिखी हुई है। देखो पोस्ट आपको बेशक कम दिख रही है लेकिन टोटल कर लो तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। ऑडिट असिस्टेंट, अभी सब आएगा कि किसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है। जेई की सिर्फ एक है जनरल में, अच्छा एक ही है, टोटल वन ही है। तो अब देखो होता क्या है, ऐसी पोस्ट में मानो किसी ने पॉलिटेक्निक कर रखा हो सिविल से, किससे कर रखा हो सिविल से, तो अब कई लोग तो इसे भरते ही नहीं है कि एक ही पोस्ट है, लेकिन मेरे हिसाब से करना चाहिए, ठीक है ना, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक पोस्ट है मुझे पता है, ठीक है ना। स्टेनोग्राफर के लिए 10 पोस्ट है, ठीक है ना।
शुरुआत है, शुरुआत में क्या जा रहा है, कंप्यूटर ऑपरेटर टू है केटरिंग, इसमें जिसने भी होटल मैनेजमेंट कर रखा है, कई बच्चों ने होटल मैनेजमेंट करा होता है आपके रिलेटिव, उनके लिए बहुत अच्छा अवसर है एनवीएस में जॉब पाने का, मतलब गवर्नमेंट जॉब पाने का, ठीक है ना। हेडक्वार्टर लेवल पे बता रखी है, आरओ लेवल पे बता रखी है, इलेक्ट्रीशियन बता रखी है, देखो ये वाली पोस्ट ज्यादा है, लैब अटेंडेंट की पोस्ट ज्यादा है, सॉरी मैथ हेल्पर की पोस्ट ज्यादा है, ठीक है ना, अभी सब डिस्कस करेंगे, एमटीएस की पोस्ट ज्यादा है, ठीक। अब देखो, अच्छा ये तो एब्रीविएशन दे रखा है, चलो अब आ रखा है, पहला आता है असिस्टेंट कमिश्नर, इसके लिए पे लेवल एज लिमिट, मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज साइंस कॉमर्स। पहली बात तो मुझे भी पता है कि जितने भी ये वीडियो देख रहे हो उसमें से 99% तो ये वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे नहीं, ठीक है ना, फिर भी हम पढ़ रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, पर्सन होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट ऑफ पोस्ट, मतलब इसके बराबर वाली कोई पोस्ट, या पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल विद एटलीस्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस एंड अबव इन एजुकेशनल प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए, सेमी गवर्नमेंट स्कूल में होना चाहिए, या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए, ऐसा नहीं है आप प्राइवेट स्कूल में हो तो आप एलिजिबल हो, ठीक है ना, याद रखना। डिजायरेबल, अच्छा एक होता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक होता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एक होता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन और एक होता है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, पता होना चाहिए। इसेंशियल का मतलब ये चाहिए, ये तो चाहिए चाहिए। अब डिजायरेबल में क्या रखा है कि रेजिडेंशियल स्कूल, क्योंकि एनवीएस तो एक रेजिडेंशियल स्कूल सिस्टम है, वहीं पे बच्चे रहते हैं, वहीं पे टीचर रहते हैं ना, तो डे बोर्डिंग टाइप का, ठीक है ना। तो वो कह रहा है, अब मानो दो कैंडिडेट है, दोनों के सेम मार्क्स से, है, सेम इंटरव्यू है, सब कुछ सेम है। अब इसके बाद एक हमारे एक के पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मैच कर गई और एक के पास नहीं करी, तो डिजायरेबल वाले को प्रेफरेंस देंगे, लेकिन ये रेयरली होता है, मतलब 100 में से 5 बार ही ऐसा हो पाता है, ठीक है ना। अगला आता है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है ना, सेम इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है ना, सारा कुछ लिखा हुआ है, वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। इन पोस्टों के लिए आप एलिजिबल नहीं हो इसलिए मैं इसे नहीं दिखा रहा हूं, ठीक है ना। फीमेल स्टाफ नर्स, ये वाला अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे हिसाब से, जिन्होंने नर्सिंग कर रखा है, एज लिमिट 35, 44,900, समझ रहे हो 44,900 क्या होता है, ठीक है ना। ओके डॉ, तो आप समझना क्या होता है, देखो 5 सीनियर सेकेंडरी, 12th होना चाहिए, नर्सिंग में देखो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए 3 साल का, ठीक है ना, बीएससी नर्सिंग 3 साल होती है, नर्स रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, 2 ईयर का हॉस्पिटल या क्लिनिक में होना चाहिए। देखो यहां पे ये क्लियर कर दिया कि ये प्राइवेट भी चल सकता है या गवर्नमेंट भी चल सकता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट वाला कंपलसरी वो नहीं कर सकते, क्योंकि कोई गवर्नमेंट में जो नर्सिंग कर रही होगी जॉब वो वहां तो जाएगी नहीं, ठीक है ना, कहने वाली बात है, और ये तो सभी को आता है। अगला आता है एएसओ, ये मुझे पोस्ट बहुत अच्छी लगती है, 35,400 इसका वो है, पीआरटी का है, ठीक है ना। चलो अब सुनना, 18 से 30, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, डिग्री होनी चाहिए आपके पास, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर ऑपरेशन, ये तो देखो इतना तो सभी को आता है, ठीक है ना, इसका पेपर नहीं होता, ठीक, मतलब चलाना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो आपसे बोल दे कि टाइप करो, स्पेस दो, कॉमा दो, आपको ये भी ना आए, ठीक है ना। डिजायरेबल देखो क्या है, 3 ईयर एक्सपीरियंस, अगर किसी का डिजायरेबल मैच कर जाता है तो उसे तो डेफिनेटली भरना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर किसी का डिजायरेबल मैच कर जाता है उसे आंख बंद करके भरना चाहिए, क्योंकि उसके सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन फाइनेंशियल मैटर सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो या ऑटोनॉमस में हो तब जाके, और ये बहुत रेयर होगा, ठीक है ना, इसीलिए जो फ्रेश है, इसीलिए जो फ्रेश है उनके चांस हाई हो गए। मैंने कहा ना डिजायरेबल 100 में से 5% में मिलेगा, कब मिलता है मैं बता देता हूं, मान लो किसी की वाइफ केवीएस में या किसी का हस्बैंड केवीएस में, हस्बैंड केवीएस में और वाइफ सेंट्रल गवर्नमेंट में या ऑटोनोमस में कहीं जॉब करती है वाली, तो उसका डिजायरेबल मैच कर रहा है वो अप्लाई करेगी, ताकि हस्बैंड वाइफ एक ही सिस्टम में एक ही जगह काम कर सके, ठीक है ना। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, देखो पर्सनल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, वो ये कह रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम कई बार पेपर देने जाते थे तो कई लोग ऐसे थे जिन्हें कंप्यूटर चलाने नहीं आता था, चलाने का मतलब बस थोड़ा बहुत चलाना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपसे कोडिंग करवाएंगे, ठीक है ना। कह रहे कभी भी टेस्ट ले सकते हैं अगर उन्हें जरूरत पड़ी तो, ठीक है ना। चलो क्योंकि अब ऑनलाइन सिस्टम चल रहा है तो आपको एटलीस्ट सिस्टम चलाना आना चाहिए, इसलिए बात ऐड करिए। ऑडिट असिस्टेंट, ये भी पे ग्रेड अच्छा है, बी कॉम होना चाहिए इसमें, इसेंशियल
डिजायरेबल देखो, समझे, अकाउंट वाला काम होना चाहिए गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस में, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है, मान लो केवीएस में कोई जॉब कर रहा है, वो इस डिजायरेबल क्वालिफिकेशन को मैच कर रहा है, उसका स्पाउस एनवीएस में है, तो वो भरेगा और एनवीएस सिस्टम में चला जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, 100 में से 5 केस में ही ऐसा होता है, इसीलिए डिजायरेबल का इतना रोल नहीं होता है, डिजायरेबल का इतना रोल नहीं होता है। ये लाइन हर किसी में इसलिए लिख रखी है इन्होंने, क्योंकि अब ऑनलाइन के वजह से, कोरोना वायरस की वजह से, सिस्टम प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर या लैपटॉप चलाना आना चाहिए, जूनियर ट्रांसलेटर ट्रांसलेशन ऑफिसर, ठीक है ना, JTO, पता है। देखो इसके लिए ये भी अच्छा पे ग्रेड है, ठीक है ना। अच्छा, ये एज लिमिट जितनी भी दे रखी है ना, वो डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन, और आई थिंक 12 फरवरी के आसपास है, यानी कि 12 फरवरी तक वो 32 साल से बड़ा का नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। इसी तरीके से केवीएस में जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, तो जिस दिन वो नोटिफिकेशन आएगा या जिस दिन उसका एप्लीकेशन लास्ट डेट होगा, डेट उसी दिन से कंसीडर करी जाएगी, ठीक है ना। ये सब क्वालिफिकेशन है, ठीक। अब आता है JEE, जूनियर इंजीनियर सिविल, पोस्ट कोड 7, एक ही है, पे ग्रेड ये रहा 35 अप टू, समझे। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बिल्डिंग मटेरियल इन सेंट्रल गवर्नमेंट ऑटोनोमस, और समझे कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। स्टेनोग्राफर, क्योंकि देखो ये जो सिस्टम्स होते हैं ना, एनवीएस है केवीएस, ये जिसको भी हायर कर रहे हैं, जिसको भी हायर कर रहे हैं, उन्हें काम निकालने के लिए कर रहे हैं, सिखाने के लिए नहीं, तो वो चाहते हैं सीखा हुआ पहले हो, ठीक है ना। ये नोट है, ठीक है ना, नोट का मतलब कंपलसरी है। ओके, स्टेनोग्राफर ये वाली पोस्ट भी अच्छी है, एज लिमिट दे रखी है, पे ग्रेड दे रखा है, 12वीं पास होना चाहिए, ठीक है ना, 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में। शॉर्ट हैंड स्पीड इतना पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड, अच्छा, इस स्टैंडर्ड पे इतना चाहिए और इस स्टैंडर्ड पे इतना, ये स्टैंडर्ड मुझे नहीं पता, तो जिन्होंने शॉर्ट हैंड वगैरह कर रखा होगा या जिन्हें टाइपिंग वगैरह आता है उन्हें पता होगा, ये मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं किया, ठीक है ना। ऑपरेटिंग पीसी क्यों कर रहे हैं मैंने बता ही दिया। इसके बाद आता है कंप्यूटर ऑपरेटर। मैं कह रहा हूं जब तक जॉब नहीं लगी सारी पोस्ट आपके लिए अच्छी है, ठीक है ना। डिग्री चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, ठीक है ना। 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, ओके, 1 ईयर का आपको क्या चाहिए, डिप्लोमा चाहिए कंप्यूटर में। आप पोस्ट का नाम ही कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो मांगेंगे कहां कहां से चाहिए बता दिया। डिजायरेबल में फेमिलरिटी वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेज, मतलब डिजायरेबल है कि आपको जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनमें आपकी कमा, मतलब आपको पता होना चाहिए कि कोई सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं, दुनिया भर की जो भी उनकी वर्किंग होती है, मतलब अगर कोर्स करा है तो सब पता ही होगा, ये बताने वाली जरूरत नहीं है। ये वाली पोस्ट अच्छी है, जिन्होंने HM कर रखा है, जिन्होंने होटल मैनेजमेंट कर रखा है, उनके लिए बहुत अच्छी है ये, ठीक है ना। 10वीं पास होना चाहिए और 3 साल का होटल मैनेजमेंट का कोर्स होना चाहिए। अब यहां पे जरूरी नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज से हो, प्राइवेट कॉलेज से भी हो, कहीं से भी चलेगा, ठीक है ना। या फिर 12th होना चाहिए, होटल मैनेजमेंट सब्जेक्ट एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस। यहां 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांग रहा है, वहां 3 साल का कोर्स। 12th पास होना चाहिए, 1 ईयर का डिप्लोमा, तो 3 साल का वो, तो सारी कंडीशन लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हो कि कहां पे आपकी कंडीशन मैच कर रही है, ठीक है ना। अब आता है JSA, जूनियर सेक्रेटरी और असिस्टेंट, हेडक्वार्टर या RO पे, पे ग्रेड लिखा हुआ है, एज लिमिट लिखी हुई है। बार बार कह रहा हूं, एज लिमिट कब होगी, जिस दिन लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग एप्लीकेशन है वो वाली तक, उस डेट तक आप इतने साल से ज्यादा की नहीं होने चाहिए। ये सब क्वालिफिकेशन मांग रखा है, वीडियो पॉज करके देख लेना, कोई डाउट रहे तो आप बेधड़क पूछ सकते हो। डिजायरेबल का मैंने बता ही दिया, वो रेयरली मिलेगा, ठीक है ना, जिस भी डिजायरेबल में गवर्नमेंट जॉब या लिखा होगा वो वाला रेयरली मिलता है। अब आता है JSA JNV कैडरे, ये कंडीशन लिखी हुई है सब, ठीक है, पढ़ना ही है बस, पॉज करो और देखो, जो भी कुछ अलग चीज मिलेगी। अब
अगर मैं प्रोफेशनल होता तो एक एक लाइन को बताता, डायरेक्ट रिक्रूट विल हैव दुनिया भर की, पीसी का बताता, इसका बताता कि बच्चों टेस्ट होगा, टेस्ट में आ सकता है, वीडियो की लेंथ बढ़ाना होता, ठीक है ना। लेकिन मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, ठीक है ना, पे ग्रेड दे रखा है, एज लिमिट दे रखी है, 10th पास होना चाहिए, आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस ही। देखो ये जो एक्सपीरियंस मांगा हुआ है ये कहीं का भी हो सकता है, प्राइवेट का भी हो सकता है और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, ठीक है ना, डिजायरेबल ये है। अच्छा देखो, कभी सोचा कि ये क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि एक रेजिडेंशियल स्कूल फॉर्मेट है, तो जिसमें क्या होगा, बच्चों के जहां रख रहे हैं वहां पे सारे मशीन, जो भी मशीन होगी, ठीक है, जो भी मशीन होगी या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज होंगे, उनकी मेंटेनेंस के लिए अपने बंदे हायर कर रहे हैं, ठीक है, बंदे नहीं इंप्लॉयज हायर कर रहे हैं, ठीक है ना। लैब अटेंडेंट वाला आ जाओ, एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था लैब अटेंडेंट का, तो देख लो लैब अटेंडेंट का सब कुछ लिखा हुआ है, 10th पास विद सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, देखो 10th पास होना चाहिए, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होना चाहिए लैब टेक्निक का, लेबोरेटरी टेक्निक का कोई होता होगा, या तो 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, 12th पास होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, इन दोनों में से कोई सा भी चलेगा। तो जो 12th पास है, जो 12th पास है साइंस स्ट्रीम से, उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये को भरने की, इसको भरने की, ठीक है ना। अगला आता है मेस हेल्पर, इसके बाद पे ग्रेड दे रखा है, एज लिमिट दे रखी है, 10th पास होना चाहिए, ओके। देखो कह रहा है अगर कोई जेएनवी में काम करता है, मैथ्स में कैजुअल वर्कर, मतलब ऐसी नॉट पोजेसिंग मैट्रिकुलेशन, उस पे पास 10th नहीं है, तो ये उसी को रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि उसके पास सिस्टम को जान रखा है, उसे सारा काम पता है, और उसे 2 साल देंगे 10वीं करने के लिए, 10 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल। ओहो अच्छा, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, तीनों क्वालिफिकेशन है इसकी, 10 साल वाला तो रेयरली मिलेगा, इसीलिए भरना जरूर जहां भी एलिजिबिलिटी मिल रही है। एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, एसएससी एमटीएस निकालता है, लाखों के हिसाब से भरते हैं, यहां पे भी भर सकते हो, 10th क्लास ये क्वालिफिकेशन। अब एज रिलैक्सेशन देख लो, कई बच्चों ने एज रिलैक्सेशन का पूछा था, एससी एसटी को 5 साल का रिलेक्शन है, ओबीसी को, नॉन क्रीमी को सिर्फ 3 साल का है, अगर आप एनवीएस एम्प्लॉय हो और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हो तो नो एज बार। मैथ हेल्पर के लिए जितने टाइम आपने जेएनवी में कैजुअल वर्कर की तरह काम करा उतने समय आपको रिलैक्सेशन है फॉर द 6 महीने लगातार काम होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ नो एज बार फॉर द एम्प्लॉय, अगर एनवीएस के एम्प्लॉय है तो कोई एज बार नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय फॉर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, ना अगर आप एनवीएस एम्प्लॉय और इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हो जो पोस्ट लिखा है तो 5 साल का रिलैक्सेशन है। जिनकी 3 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस पूरी हो गई है और सेम 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 कैडर के लिए अप्लाई कर रहे हो कैडर के लिए तो 5 साल का रिलैक्सेशन है, जैसे असिस्टेंट कमिश्नर या कोई और पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल, ओके जम्मू कश्मीर में जब इस वाले ईयर्स के डोमिसाइल होगा तो 5 साल का है। फिर जिसके डिसेबिलिटी है 15 साल, 13 साल, 10 साल, यानी कि यहां पे भी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है फीमेल कैंडिडेट को, जैसे कि केवीएस में होता है, ठीक है ना। और एज रिलैक्सेशन एक्स सर्विसमैन के लिए दे रखा है, वही कह रखा है, ठीक है ना। यहां तो ये तो बस एक्स सर्विसमैन होने चाहिए, आप लोग एलिजिबल है, ठीक है ना। अब समझते हैं, देखो द कट ऑफ डेट ऑफ डिटरमाइनिंग वेरियस एलिजिबल एज का जो है क्वालिफिकेशन विल बी क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन इंडिया, समझे, जिस तारीख को इसका क्लोजिंग है उससे पहले, मतलब अगर 30 साल दिया है एज लिमिट किसी पोस्ट के लिए तो जिस दिन डेट ऑफ क्लोजिंग है उससे पहले, मतलब उस दिन तक आप 30 साल के होने चाहिए, ठीक है ना। देखो क्या लिखा है, क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल फॉर कंसेशन ऑफ एडमिशन ओबीसी हैविंग द कैटेगरी, मैंने बताया था
ठीक है ना। अहिरा, ये तो सर्टिफिकेट वाला आपको पता होगा। ईडब्ल्यूएस के बारे में भी लिखा हुआ है, देखो, कैंडिडेट हु आर नॉट कवर्ड अंडर द स्कीम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ इतना हुज फैमिली क्रॉस, ये तो पता है ना, ईडब्ल्यूएस का ये कंडीशन है कि वो किसी और रिजर्वेशन में ना आ रहा हो, और फैमिली की उसकी नहीं, फैमिली की एनुअल ग्रॉस इनकम 8 लाख से कम हो तो ईडब्ल्यूएस में आता है, ठीक है ना। द इनकम शेल आल्सो इंक्लूड इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सारे सोर्सेज से होनी चाहिए। ऐसा नहीं सैलरी, किराया आ रहा हो, सैलरी आ रही हो, एग्रीकल्चर आ रहा हो, कहीं से आ रहा हो, मतलब आपके घर में अगर तीन जन दो जने काम कर रहे हैं और उनका 7 लाख रुपए पर एनम का मिला के एक साल का पैकेज है, मतलब सैलरी है, और किराए से आप 3 लाख अलग से कमा रहे हो तो टोटल 10 लाख काउंट होगा। लेकिन कहने वाली बात है, ये कोई दिखाएगा थोड़ा ना, कितना दिखाएगा। तो ईडब्ल्यूएस वालों को ग्रेट, बहुत अच्छा चांस है करना चाहो तो, ठीक है ना। अब आ जाते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन में। मोड ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, सीबीटी होगा एक, एंड इंटरव्यू टुगेदर। इंटरव्यू किस किस पोस्ट के लिए होगा देख लो, असिस्टेंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल। ओके, द डिसीजन ऑफ द एनवीएस अबाउट मोड ऑफ सिलेक्शन, भाई यही कह रहा है, जो लिखा हुआ है वो हमारा फाइनल है, मतलब जो भी क्वालिफिकेशन लिखे वो कहा है ना। हाउएवर द मोड ऑफ सिलेक्शन विच एवर सो फॉर ऑल द नोटिफाइड पोस्ट विल बी सोल्ड में भी चेंज हो के नाउ, ठीक है ना। कह रहा है एनवीएस पे सारे अधिकार है, ये तो पहले से ही लिखा होता है, ठीक है ना। हाउ एवर, अच्छा ये लिखा हुआ है, द सीबीटी ऑफ रिक्रूटमेंट विल नोटिफाई एक्सेप्ट इतना इतना इज लाइकली टू हेल्प इन 93 सिटीज, 93 सिटीज में होगा वो आपसे भरवाएंगे ये लिखे हुए सिटीज। हाउ एवर द एनवीएस हैज राइट टू कंडक्ट द सीबीटी एट ऑल सिटीज और एनी वन ऑफ द, देखो ये तो कहने वाली बात है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने पास सारे रूल रखती है कि कब से कब वो कराना चाहता है, ठीक है ना। ये वो सिटीज के नाम लिखे हैं जहां पे एग्जाम करा सकते हैं। अब आ जाओ, पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% और मोर इफ सो डिक्लेयर, वो अपने साथ लिखने वाले को ला सकते हैं। याद है हमने स्क्रिबल करा था, आज करा था नहीं कल, स्क्रिबल वही लिखा हुआ है। द फैसिलिटी ऑफ, देखो ये कंडीशन लिखी हुई है कि स्क्रिबल लाना है तो उसकी क्या कंडीशन, जैसे मैं बताता हूँ, सीबीएसई में अगर आप स्क्रिबल अपने साथ ले जाते हो, लिखने वाला स्क्रिबल नहीं, लिखने वाला अपने साथ ले जाते हो, तो पता है क्या होता है, उसके लिए कंडीशन है कि अगर आप 12वीं क्लास का पेपर दे रहे हो तो उसकी हायर क्वालिफिकेशन 12वीं क्लास से कम होनी चाहिए, ताकि वो बस वही लिख सके जो आप बताओगे। बाकी ये सब लिखा हुआ है, देखो, पीडब्ल्यू पर्सन विद डिसेबिलिटी को 20 मिनट पर आवर ऑफ द एग्जाम एग्जामिनेशन, समझे, कंपनसेटरी मिलेगा, फालतू समय मिलेगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं पेपर पैटर्न में, ठीक है ना। असिस्टेंट कमिश्नर का पेपर पैटर्न ये रहा आपका, रीजनिंग 10 नंबर का, इंग्लिश और हिंदी 10 10 नंबर की, इंग्लिश और हिंदी 10 10 नंबर की, ठीक है ना। इसके बाद जर्नल अवेयरनेस 20 नंबर का, बाकी आपका है पेडागोगी वाला सेक्शन, ये सबके लिखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। लेकिन देखा जाए तो आपके यहां पे भी कंप्यूटर वाला 10 नंबर, रीजनिंग 10, जनरल अवेयरनेस, मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप किसी एक पोस्ट को टारगेट करते हो और उसके लिए एलिजिबल हो तो आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं एक पोस्ट को दिखाता हूँ, ठीक है ना, इसका जैसे एएसओ दिखाता हूँ, ये रहा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, देखो इसका देखना, एसएससी सीजीएल वाला पैटर्न, रीजनिंग 30 नंबर की, मैथ 30 नंबर की, 60 नंबर तो यही हो गए, ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश 15 15 नंबर की, 40 नंबर का इसका ये दे रखा है इन्होंने, किसके बारे में पूछेंगे, 40 30 70, देखो ना 130, 130 में से 60 नंबर तो यही पूरे हो गए, और बचे हुए 70 नंबर को आपको तैयार करना है, ठीक है ना। तो हर पोस्ट का दे रखा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो, और चाहो तो मेरे टेलीग्राम पे ज्वाइन करके, मैं टेलीग्राम पे इस नोटिस को डाल दूंगा, आप कर सकते हो। देखो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए आ जाओ तो 20 20, रीजनिंग 20, मैथ 20, कंप्यूटर नॉलेज एमएस ऑफिस वगैरह ये 60, तो अगर आप करना चाहो तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके पास, ठीक है ना। तो ये सारा नोटिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। अच्छा एक और चीज बतानी है मुझे, कहाँ गया, ये रहा,
अच्छा देखो, वो ये सब बता रहे हैं कि जो इसका डेट वगैरह होगा, जो भी होगा, वो सब नोटिफाई कर दिया जाएगा, ठीक है ना। देखो, सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करना और कोई मोड अप्लाई नहीं होगा, मतलब इसके अलावा कोई सा भी मोड होगा वो अप्लाई मतलब एलिजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अंडर नो सर्कुलेशन कैंडिडेट शुड शेयर, ये सब तो यार जनरल इंस्ट्रक्शन है, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये फीस लिखी हुई है किसकी कितनी है, ठीक है ना। सारी वंस द फीस डिपॉजिटेड इज द सेम शैल नॉट बी रिफंडेड और एनी, कह रहा है फीस जमा करने के बाद किसी भी केस में रिफंड नहीं करा जाएगा। मैं पढ़ रहा हूं सारा, जो आपके लिए काम का होगा वो बता रहा हूं। अच्छा ये देखो, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रजिस्ट्रेशन क्लोज ये रहा, तो यानी कि ये डेट होगी जो आपकी एज काउंट करेगी। यहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग आंसर 1/4 डिडक्टेड फ्रॉम द। अब यहां से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि केवीएस भी क्या नेगेटिव मार्किंग करेगा या नहीं, ठीक है ना। तो ये मैं बताऊंगा केवीएस वाले सेक्शन में, ठीक है ना, बहुत जल्द, ठीक है ना। फिलहाल ये मैंने पूरा नोटिस आपके साथ शेयर किया, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है देखने के लिए। बाकी देखना चाहो तो 10,000 टीचरों से और देख सकते हो। ये परफॉर्मा होता है, परफॉर्मा मतलब अगर आप एक सर्विस मैन है तो ये परफॉर्मा चलेगा, सबके परफॉर्मा होते हैं, ठीक है ना, हर चीज के, ठीक है ना। यहीं से इनके फॉर्मेट बने होते हैं, यहां से डाउनलोड करना है। अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो याद रखा करो कि उसका रिक्रूटमेंट नोटिस अपने पास सेव रखा करो। वैसे मिल जाता है कहीं से भी, लेकिन फिर भी सेव रखना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, एक गुड अपॉर्चुनिटी और 2020 का आगाज हो चुका है वैकेंसीज का, ठीक है ना। अब आपकी बारी है, आप कितना मेहनत करते हो, ठीक है। थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक।